हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एनएस टेक्निकल गुरु चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस 5 तार वाला मॉड्यूल को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसे कैसे इंस्टॉल किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखिए, जो 5 वायर होते हैं उसमें फ्रेंड्स जो ग्रीन वायर होता है इसका कनेक्शन हमें नहीं करना है, और बचे जो 4 वायर। तो सबसे पहले किट में देख लीजिए, यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर लगा है उसमें ये है पॉजिटिव पॉइंट और ये निगेटिव पॉइंट। तो जो ब्लैक वायर है हमें इसे निगेटिव पॉइंट पर लगा देना है। तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इसकी ट्रैक यहाँ पर भी गई है। तो ब्लैक वाला वायर हम निगेटिव में लगाएंगे, और जो पॉजिटिव है रेड वाला वायर, तो यहाँ पे देखिए एसटीआर जो लगे रहता है, ये एसटीआर वाला बोर्ड है। तो एसटीआर के फ्रेंड्स कलेक्टर पॉइंट पे, और यहाँ पे आप मल्टीमीटर से चेक भी कर सकते हैं जहाँ पे 300 वोल्ट आएगा। तो ये चॉपर ट्रांसफार्मर की सबसे ऊपर वाली पिन पर लगाएंगे हम रेड वायर। चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए ये। और रेड वायर चॉपर ट्रांसफार्मर की सबसे ऊपर वाली पिन में लगाएंगे। तो फ्रेंड्स 1802 जो लगे रहता है यहाँ पे, उसके कलेक्टर पॉइंट में यही वाली पिन जाती है, तो आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं। और बचा तो फ्रेंड्स ये देखिए ब्लू वायर और येलो वायर, ठीक है। जो नीला वायर है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, मेन जो है इस किट का ग्राउंड जो है, तो उसे नीले वायर को हम यहाँ पर लगाएंगे मेन ग्राउंड में बोर्ड के। और पीला वायर जो बचा फ्रेंड्स, उसमें देखिए मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये 110 वोल्ट का डायोड लगा हुआ है, डायोड के जो निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। तो निगेटिव पॉइंट में हम ये पीले वायर को लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आप वायर लगाते समय ये ध्यान रखिएगा कि आपस में टच नहीं होना चाहिए, तो आपको वायर काफ़ी सफाई से लगाना है यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह फ्रेंड्स इस मॉड्यूल का कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसमें देखिए जो प्रीसेट लगा हुआ है, इससे 110 वोल्ट में सप्लाई को सेट कर देना है, क्योंकि सप्लाई अगर कम या ज़्यादा होती है तो किट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। और फ्रेंड्स इसी तरह जो 3 वायर वाला मॉड्यूलर होता है, इसमें भी देखिए ये जो ग्रीन वायर, इसका कनेक्शन हमें नहीं करना है। और उसके बाद ब्लैक वायर को भी हमें ग्राउंड में लगाना है, और रेड वायर जो है उसे हमें यहीं पे लगाना है चॉपर ट्रांसफार्मर की पिन नंबर 1 पे, यहाँ पे, या फिर 1802 की कलेक्टर पिन पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।